हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसने 5 अप्रैल 2022 को 6 साल पूरे किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी है स्टैंडअप इंडिया योजना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टैंडअप इंडिया योजना। स्टार्ट कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को मोदी जी ने किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्टैंडअप इंडिया योजना का उद्देश्य बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। तो आपको ये जो रेंज है ना, कितना ऋण दिया जाएगा वो याद रखना है। स्टैंडअप इंडिया योजना में कितना ऋण दिया जाता है? तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये स्टार्ट कब हुआ था? तो जनवरी 2016 में इसका अनावरण हुआ था। और किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, प्रशासित किया जाता है। और इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो है खरीफ फसल के लिए कितना प्रीमियम है, तो खरीफ के लिए 2%, रबी फसल के लिए कितना है 1.5%, और बागवानी फसल के लिए है 5%। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका अनावरण कब हुआ था? तो जनवरी 2016 में। किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। खरीफ फसल पे कितना प्रीमियम है? तो 2%, रबी पे प्रीमियम कितना है 1.5%, 1.5%, और बागवानी फसलों पे 5% है। नेक्स्ट आते हैं गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो मेनली कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गणगौर उत्सव राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन मेनली आपका राजस्थान में ही मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी है 175, ऑप्शन सी है 350, ऑप्शन डी है 418। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 418 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आते हैं टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? टेम्पल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं भारत भर में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी को कौन सी कंपनी द्वारा गठित करने पर सहमति हुई है? कौन सी कंपनी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए L&T, IOCL एंड रिन्यू पावर, ऑप्शन बी है L&T ONGC रिन्यू पावर, ऑप्शन सी है ONGC टाटा रिन्यू पावर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, L&T है, IOCL है और रिन्यू पावर है। L&T और इंडियन ऑयल द्वारा एक अन्य संयुक्त उद्यम पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर्स को बेचने और निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनका उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, आपसे पूछ देगा कि L&T ने कौन सी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया है जो इलेक्ट्रोलाइजर्स को बेचने और निर्माण करने का काम करती है। तो आपका आंसर क्या होगा?
इंडियन ऑयल द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, किसने एक समिति का गठन किया है जो बाजार और संरचना संस्थानों और स्टॉक एक्सचेंजों में शासन के मानदंडों को मजबूत करने के लिए समीक्षा करेगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी है SEBI, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, SEBI। और SEBI के चेयरपर्सन कौन है, मधावी पूरी बुज, जो कि पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, मधावी पूरी बुज। नेक्स्ट आते हैं, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस नाम से एक शुभंकर का शुभारंभ किया। यह शुभंकर देश के लोगों में उन छोटे बदलाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था जो देश की भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण में योगदान कर सकते हैं। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस नाम से एक शुभंकर का शुभारंभ किया। आपके पास ऑप्शन है प्रकृति, ऑप्शन बी है धरती, ऑप्शन सी है बोध, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2022 का विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन है एशियन 2022, ऑप्शन बी है प्राउड नेवी, ऑप्शन सी है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड 19, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नेशनल मैरीटाइम डे 2022 का थीम क्या है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड 19, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, रिकी केज और फाल्गुनी शाह हाल ही में किस पुरस्कार के विजेता है। आपके पास ऑप्शन है ऑस्कर, ऑप्शन बी है ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन सी है एबल प्राइज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्रैमी अवार्ड। एबल प्राइज तो मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है। आपके पास ऑप्शन है MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। तो ये तो था हमारा 6 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।